दबंगों की दबंगई के आगे पीड़ित परिवार की नहीं हो रही है कोई सुनवाई। उन्नाव जिला दबंगों का शहर बनता जा रहा है। ताजा मामला उन्नाव जिले के सफीपुर क्षेत्र के देवीपुरवा ग्राम का है। नाबालिग बेटी के साथ दबंगों द्वारा 3 महीना पहले भी गलत काम करने की नियत से घर पर घुसे थे। नाबालिग बेटी ने कई बार थाने में तहरीर दी पर नहीं हुई कोई सुनवाई। दिनांक 10/11/2022 को दबंगों ने प्रार्थनी के खेत पर झंडा गाड़ दिए थे, जिसका विरोध प्रार्थी ने किया। दबंग मुनेश्वर पप्पू पंचम समेत अज्ञात लोगों ने प्रार्थनी के घर वालों से मारपीट की। प्रार्थनी की नहीं हो रही है कोई सुनवाई। क्षितिज वाजपेयी की रिपोर्ट। मैं आपका क्या घटना घटी है आपकी बेटी के साथ? खाना बनाओ तो कौन लोग ऐसे ले जा रहे थे? पप्पू। क्या कर ऐच के ले जा रहे थे? आपने आप लोग नहीं थे क्या घर पे? हम बाहर जब बिटिया माँ चिल्ला तो हम दौड़े तो पप्पू मुनेश्वर करण सब मारा लग सब लाठी तेरे। आपको भी मारा? आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, गेरान थाने पर। हाँ। तो वहाँ पर थाने गई थी कि चौकी गई थी? थाने गई थी। हाँ। तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले कहा लगे कि यहाँ पे दीवार बना के आई हो। आप क्या मांग करती हैं शासन और प्रशासन से? शासन और प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम जाए मांगे थे कि इनका साहब हमारे बिटिया का दोबारा घटना भाए तो ऐसा इनका सजा। पहली बार घटना हो चुकी क्या आपकी बेटी से? तब पुलिस वालों ने कोई संज्ञान नहीं लिया? अच्छा, बेटी का क्या नाम है? क्या घटना घटी आपके साथ? अच्छा, मम्मी पापा ने आपको बचाया? मम्मी ने बचाया। ठीक है, ये घटना आपके साथ एक बार और घट चुकी क्या? तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और अब की बार भी कोई कार्रवाई नहीं करी। आप क्या मांग करती हैं शासन और प्रशासन से कि आपको न्याय चाहिए?